हमारा सौभाग्य के सौभाग्य है कि भारतीय संस्कृति के संपोषक, संस्कृत भाषा के संवाहक, गुजरात राज्य के राज्यपाल श्री एवं चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री आचार्य देवव्रत महोदय के गुणी व्यक्तित्व से चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी को सदैव मार्गदर्शन मिलता रहा है। इसे ज्ञान के असीम महासागर समादरणीय कुलाधिपति से विनम्र प्रार्थना है कि दीक्षांत प्रवचन द्वारा हमें अनुग्रहित करें। ओम विद्यां च विद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीरत्वा विद्यया अमृतमश्नुते। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रीमती अंजू शर्मा जी, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, आदरणीय श्री हर्षद भाई शाह जी कुलपति, माननीय डॉक्टर अशोक प्रजापति जी कुल सचिव, श्री विभिन्न यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय, उपस्थित यूनिवर्सिटी की विभिन्न समितियों के सदस्यगण, निमंत्रित अतिथिगण, अभिभावकगण, हमारे सभी प्राध्यापकगण, छात्र छात्राओं, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए अपार प्रसन्नता का दिन है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्राचीन भारतीय परंपराओं को और मानव कल्याण के सूत्र को ध्यान में रखते हुए विश्व की पहली यूनिवर्सिटी चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई और आज उस यूनिवर्सिटी का प्रथम दीक्षांत समारोह है। और इसमें आज जिन जिन छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, पदवियां प्राप्त की हैं, जिन्होंने पीएचडी की पदवी प्राप्त की हैं, उन सब को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। और मैं उन विद्यार्थियों का सौभाग्य भी मानता हूँ कि उनको हमेशा जीवन में ये स्मरण रहेगा कि हम वो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिन्होंने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की प्रथम डिग्रियां प्राप्त की। ये आपके लिए एक गौरव की बात है। जैसा कि मैंने कहा कि चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, ये सोच भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की गुजरात की इस पवित्र धरती से प्रारंभ हुई है और उसमें जो गतिविधियां चल रही हैं, आदरणीय कुलपति महोदय ने बड़े विस्तार से उसकी हम सबको जानकारी दी है। इस यूनिवर्सिटी के पीछे कितनी बड़ी सोच रही होगी, कितना बड़ा चिंतन रहा होगा कि असली निर्माण तो मानव का निर्माण है। आज के इस भौतिकवादी युग में हम सब की सारी शक्तियां इस बात पर लग रही हैं कि कितनी रेलें बिछाई जाएं, कितनी नहरों का जाल बिछाया जाए, कितनी ज्यादा सड़कों का निर्माण हो, कितने कल कारखानों का निर्माण हो, वर्तमान साइंस टेक्नोलॉजी के आधार पर कितना अधिक से अधिक विकास किया जाए, तो ये सबसे बड़ी उन्नति मानी जाती है। और मैं भी समर्थन करता हूँ कि ये उन्नति है, इसको भौतिक उन्नति कहते हैं। लेकिन ध्यान करो, इन सारी उन्नतियों का उपभोग करने वाला मनुष्य यदि इंसान नहीं बना तो ये उसके लिए
दुख का कारण बनेंगी, सुख का कारण नहीं बन सकती। असली निर्माण है मनुष्य का निर्माण, जिसने इस सारी सृष्टि का उपभोग करना है। मैं कई बार ये चर्चा आपके बीच में करता हूं कि ये जो विशाल ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी प्रकृति है, इसका निर्माण भगवान ने किया। बड़े बड़े समुद्र बनाए, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, जंगल बनाए, तरह तरह के प्राणी जीव जंतु, इतना तारतम्य इस सृष्टि के अंदर है कि जो स्वाभाविक रूप से संतुलित रह करके उन्नति और विकास करती है। असंख्य प्राणी इस धरती पे हैं, लेकिन ध्यान करना मेरी बात क्यों, इस सारी ईश्वरीय व्यवस्था को इस समय जो नुकसान पहुंचा है, इस सारी व्यवस्था का जो दोहन हुआ है, इसको तोड़ करके तहस नहस और ग्लोबल वार्मिंग का जो स्वरूप दिया है, वो किसी गाय ने नहीं दिया, किसी भेड़ बकरी भैंस ने नहीं दिया, किसी प्राणी ने नहीं दिया है, इसका विनाश किसी ने किया है, तो इस समझदार आदमी ने इसका विनाश किया। भाई और बहनों, इस सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित चलाने का काम और ये बुद्धि कौशल भगवान ने दिया तो केवल मनुष्य को दिया, इसलिए इसका निर्माण और इसका विध्वंस दोनों मनुष्य के हाथ में। यदि मनुष्य सही अर्थों में इंसान बन गया, नैतिक बन गया, संस्कारित बन गया, संवेदनशील बन गया, हर किसी के सुख दुख को अपना सुख दुख मानने वाला बन गया, तो सारी दुनिया स्वर्ग में बन जाएगी। और इससे विपरीत वो स्वार्थी है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, ब्लैक मार्केट करता है, आदमी आदमी को दुख देता है, यदि ये अमानवीय मूल्य जीवन का आधार बनते तो दुनिया नरक बन जाती है। इसलिए ध्यान करो, इस देश का जो प्राचीन भारत था, जो ऋषि परंपरा का भारत था, उसका केंद्र बिंदु, बाकी कुछ नहीं था, उसका केंद्र बिंदु था बालक। और एक बालक को तराश करके, संस्कारों की भट्टी में डाल करके, उसको एक महामानव कैसे बनाया जा सकता है, जिससे सारी दुनिया स्वर्ग में बन सके, ये चिंतन यदि किसी धरती पर हुआ तो भारत की इस धरती पे हुआ, ऋषि मुनियों की व्यवस्था में हुआ। उन ऋषि मुनियों ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि इस धरती पर स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं है, जो कल्पनाएं हम मन में घड़े बैठे हैं। सुख विशेष का नाम स्वर्ग है और दुख विशेष नाम का नरक है। यदि सुख है तो वो भी आदमी के विचार से पैदा होता है, और दुख है तो वो भी व्यक्ति के विचार से पैदा होता है। यदि हम एक बालक को गर्भावस्था से एक विशेष प्रयोजन के माध्यम से, एक योजना के द्वारा, एक माता और पिता एक संकल्प के द्वारा किसी आत्मा का आह्वान करते हैं और उसके निर्माण के प्रति हम गंभीर हैं, तो निश्चित रूप से वो पैदा होने वाली संतान मेरे परिवार के कुल के गौरव को बढ़ाने वाली बनेगी, समाज की उन्नति करने वाले बनेगी, राष्ट्र और मानवता का कल्याण करने वाली बनेगी। लेकिन हमने भौतिक उन्नतियां तो बहुत की, डिग्रियां लेने का अभियान भी बहुत चलाया, रोजगार देने की भी बातें होती हैं, लेकिन जिसके लिए सब कुछ किया जाना है, उस मानव को मानव बनाने की दिशा में कोई चिंतन नहीं किया। और इसी का परिणाम है आज मनुष्य मनुष्य का शत्रु बना बैठा है,
अधर्म के नाम पर आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, बेईमाना है, दुराचार है, बेइंसाफी है, डिग्रियां हैं लेकिन नैतिकता नहीं है। आज व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कितने भी पतन पर जा सकता है। मैं इस बात को भी निवेदन करता हूं कि आज ये जो व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार बेईमाना दुराचार है, ये गांव का अनपढ़ व्यक्ति, सड़क पर रोड़ी कूटने वाला गरीब व्यक्ति नहीं करता। आज ये काम वो करता जो बढ़िया पढ़ा लिखा है, जो बड़ा समझदार है, जो कंप्यूटर का नॉलेज रखता है, जो दुनिया को जानता है, वो इस काम को करता है। यदि वो इस बुराई वाले संस्कार को समाज में फैलाने का काम करता तो किस काम की विद्या है, किस काम की है पढ़ाई है, किस काम की है डिग्रियां है, जो मानव को मानव नहीं बना सकी, जो एक डॉक्टर को संवेदनशील नहीं बना सकती, जो एक इंजीनियर को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित नहीं कर सकती, जो एक व्यक्ति को पढ़ने के बाद अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशील नहीं कर पाती, तो किस काम की वो शिक्षा है। ये सारी समस्याओं का समाधान यदि कहीं पर है तो वो इस व्यवस्था में है जिस परिसर में आप आज बैठे हुए। असली निर्माण बालक का निर्माण है, वही तो बड़ा होकर के आपके सारे व्यवस्था को संभालेगा। और मेरे देश में ये गंभीर चिंतन ऋषियों ने किया था। ऋषि कस्मात, व्यास का आचार्य पूछते ऋषि कौन है, कि साक्षात कृत धर्म, कि जो वर्तमान भूत और भविष्य को ध्यान में रख करके निर्माण की प्रक्रिया में कदम बढ़ाता उसको ऋषि बोलते थे। ये जो आजकल अंग्रेजी का रिसर्च स्कॉलर जो शब्द है ना, ये ऋषि का अपभ्रंश है। इस देश का एक एक जो ऋषि था ना, वो रिसर्च स्कॉलर था, वो वैज्ञानिक था, वो चिंतक था, वो मनीषी था, वो भावी व्यवस्था को देख करके चलने वाला था। भाई और बहनों, उन लोगों ने 16 संस्कारों की कल्पना की थी और वो 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक एक मानव को संस्कारों की भट्टी में पकाने का काम किया जाता था, सही मानव का समग्र विकास किया जाता था, उसे महामानव और इंसान बनाने का काम किया जाता था। आजकल आप मनोविज्ञान के कुछ विद्यार्थी रहे होंगे या कुछ पढ़ा होगा, तो सिगमंड फ्रायड को आज के मनोविज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है। आपने उनको पढ़ा हो तो ध्यान करना मेरी बात की, और आज के विद्यार्थी जो डिग्री धारक हैं वो विशेष रूप से, और जो माता पिता हैं वो भी ध्यान से मेरी बात सुनना। सिगमंड फ्रायड जो मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक माना जाता है, उसने अनेक ग्रंथ लिखे हैं मनोविज्ञान के, और वो ग्रंथ आजकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई भी जाते हैं इस विषय में। कहते हैं कि उनके कुछ शिष्य जब सिगमंड फ्रायड बूढ़े हो गए, जीवन के अंतिम पड़ाव पे थे, तो उनके शिष्य इकट्ठे होकर के सिगमंड फ्रायड के पास गए और उनसे एक प्रश्न किया, गुरुजी आपने एक बालक को, मनुष्य को बढ़िया इंसान कैसे बनाया जा सकता है, इस पर बहुत ग्रंथ लिखे, हमने उनको पढ़ा भी है, अब आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर बहुत अनुभव लिए बैठे हो, हम आज आपके पास इसलिए आए हैं कि आप एक लाइन में हमें अपने समस्त
ज्ञान का सूत्र दे दो कि एक बालक को महामानव इंसान कैसे बनाया जा सकता है, तो सिगमंड फ्रायड ने क्या उत्तर दिया, आप सब बड़े ध्यान से सुनना। सिगमंड फ्रायड क्या बोलते हैं कि अब तक जो मैंने ग्रंथ लिखे हैं इनको उठाओ रद्दी की टोकरी में फेंक दो, आज मैं जो जीवन के आधार पर एक लाइन बोलने वाला हूं असली काम यही है, बाकी तो बाहर है सब कुछ। और उसने वो शब्द क्या बोले अब सुना, वो कहते हैं मैं उनके शब्दों का पूर्णतः जो का त्यों हिंदी अनुवाद बोल रहा हूं, वो कहते हैं मेरे प्यारे शिष्यों, एक बालक जिस समय मां की गोदी में लेटा हुआ मस्ती में पैर का अंगूठा चूस रहा होता है, उस अवस्था में जो विचार उस बच्चे को मिलते हैं वही विचार उस बच्चे के भविष्य का निर्माण करने वाले होते हैं। अब जब मैंने ये लाइन पढ़ी कि एक बालक पैर का अंगूठा कब चूसता, हम जितने यहां पर बैठे हैं कोई नहीं चूसता, तो मेरी पूज्य माता जी उस समय जीवित थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने सिगमंड फ्रायड की ये लाइनें पढ़कर माँ से पूछा, माता जी ये बालक छोटा कभी पैर का अंगूठा चूसता है क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा बालक करता है। फिर मैंने पूछा किस अवस्था में करता है, कह रहे ढाई तीन चार महीने का जब बच्चा होता है ना कई बार ऐसी हरकतें वो करता है। हाँ या ना आप भी बोलो, करता है कि नहीं करता? इसका मतलब अगले वाले तो बोल रहे हैं करता, जो माताएं पीछे बैठी वो नहीं मान रही क्योंकि वो टीवी देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती, बच्चों को कहां देखती है। बच्चा ये हरकत करता है, अब ये हरकत मूल चीज नहीं है, मूल चीज इसके पीछे वो बालक की अवस्था कौन सी है जब ये घटना होती है, वो घटना ढाई तीन चार महीने का बच्चा ऐसी हरकत करता है। और सिगमंड फ्रायड ये कहता है वही वो दिन है जो विचार जो चिंतन जो सोच जो वातावरण जो एनवायरनमेंट उस बच्चे को मिलेगा भविष्य में उसने वैसा ही बनना है। अब ध्यान करना मेरी बात की ओर, मैं और आप इतने दो तीन चार महीने के बच्चे को ये सोच करके कि इसे क्या पता है, अनेक प्रकार की गलतियां बच्चों के सामने करते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे व्यवहार करते हैं जो नहीं किए जाने चाहिए, और हम अनेक गलतियां इसलिए कर जाते हैं कि बच्चे को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बच्चे को आप और मेरे से ज्यादा पता है, और वो कहते हैं क्योंकि बालक के पास काम एक है केवल ग्रहण करने का, और बड़े आदमी के पास काम अनेक हैं, उसके पास काम एक है। उदाहरण के लिए वो एक उदाहरण देते हैं कि आप समतल धरती पर दो गड्ढे बनाओ और उसमें से एक गड्ढे को पानी से भर दो और एक गड्ढे को खाली छोड़ दो और दोनों गड्ढों के बीच में पानी डालो, तो बताओ वो भरे हुए गड्ढे में पानी जाएगा या खाली में जाएगा? बोलो भाई मैं पढ़ाने वाला मास्टर जी रहा हूं मैं, क्यों साहब? अब गुरुजी तो ठीक बोल रहे हैं, पीछे वाले तो शायद स्कूल में गए ही नहीं है। अरे तुम भी तो बोलो, पिछले वाले भरे गड्ढे में जाएगा या खाली में जाएगा? खाली में जाएगा। बहुत अच्छी आवाज दी बच्चों ने।
क्यों जाएगा खाली में? क्योंकि खाली जगह खाली है, भरे गड्ढे में इसलिए नहीं जाएगा, वो पहले ही भरा हुआ है। तो सिगमंड फ्रायड कहता है, जब एक विचार चलता है, एक तरफ बालक बैठा है, एक तरफ बड़ी आयु का व्यक्ति बैठा है, तो बड़े व्यक्ति का ब्रेन, मस्तिष्क जो है वो भरे हुए गड्ढे के समान है। उसमें इतने सवाल निकल चुके हैं, इतने प्रश्नोत्तर हो चुके हैं, किसी ने बेटी की शादी की चिंता है, किसी ने मकान की चिंता है, किसी ने व्यापार की चिंता है, उस दिमाग में बहुत सवाल निकल चुके हैं, जगह बची नहीं भी का विचार को जगह बनाने की। लेकिन छोटे बच्चे का जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज की तरह है, खाली गड्ढे की तरह है, उसकी कैचिंग पावर अपार है, वो एकदम पकड़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, फिर सुनो ध्यान से, आप एक 2.5 साल के बच्चे को पकड़ो और एक 40 साल के प्रोफेसर साहब को पकड़ो। प्रोफेसर साहब पढ़े लिखे हैं, PhD हैं, D.Litt हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत प्रतिभाशाली बुद्धिमान हैं, और बालक कुल 2.5 साल का स्कूल में अब तक नहीं गया। इन दोनों लोगों को आप ऐसे देश में भेज दो जहां की भाषाएं दोनों ही ना जानते हों। अब उत्तर देना मेरे को, वहां की भाषा पहले कौन समझेगा जी? पहले कौन समझेगा? अरे बालक क्यों समझेगा, वो तो PhD हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ाते हैं, 40 साल के हैं, बुद्धिमान हैं, बच्चा स्कूल गया नहीं, बुद्धिमान आप उसको मानते नहीं, छोटा उसको मानते हो, यूं समझ करके उसके सामने मैं और आप गलत काम करते, इसे क्या पता है? और आप सबका एक ही उत्तर है कि वहां की भाषा को छोटा बच्चा पहले सीखेगा, 40 साल का प्रोफेसर बाद में सीखेगा। तो सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बालक के पास केवल काम एक है ग्रहण करने का, इसलिए हम अनेक गलतियां बच्चे को यूं समझ कर दें कि बालक को कुछ नहीं पता है। यदि कुछ नहीं पता है तो उसने वहां की भाषा को प्रबुद्ध आदमी से पहले कैसे सीख लिया? तो भाई और बहनों, ये चिंतन वर्तमान भौतिक मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड का, जब ये चिंतन सामने आता है तो सिगमंड फ्रायड 3-4 महीना का पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर परीक्षण करके इस चिंता की ओर हमें सचेत करते हैं। लेकिन जब भारत के ऋषियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं, सिगमंड साहब तुम तो बहुत लेट हो चुके हो, तुम तो बहुत देरी कर चुके हो। बच्चे का निर्माण अंगूठा चूसने वाली आयु में नहीं, बच्चे का निर्माण उस समय शुरू होता है जब एक माता और पिता पवित्र संकल्प के साथ एक आत्मा को गर्भ में आह्वान करने के लिए चेतना करते हैं। उस दिन बालक का बीज संकल्प के साथ बोया जाता है। और ध्यान करो, वर्तमान साइंटिस्टों ने सिद्ध कर दिया है, रिसर्च हो चुकी है कि जब बालक गर्भ में होता है ना, उस समय ये रिसर्च हो चुकी है कि सप्ताह में क्या गति है, वो 4 हफ्ते का तो क्या गति है, और जब बच्चा गर्भ में 5-6 महीने का होता है ना, उस समय उसको सुनाई देना शुरू हो जाता है। बालक देखता पैदा होने के बाद भी नहीं है, बालक जब पैदा होता तो उसको रोशनी नहीं होती आंख में, लेकिन गर्भ में बालक सुनता है। और हमारे घर में क्या क्या गति हो रही है, माता पिता कैसे रह रहे हैं, कैसे बोलचाल है, कैसे उठना बैठना है, क्या गतिविधियां चलती हैं, क्या विचार चलते हैं,
ये गर्भस्थ बच्चा सुन करके अपने निर्माण की प्रक्रिया में बढ़ता है। पैदा होने के बाद कुछ सप्ताह के बाद आई साइट उसकी विकसित होती है। पैदा होते बच्चा देख नहीं पाता, लेकिन सुनना गर्भ में शुरू कर देता है। और आपने महाभारत में अभिमन्यु और सुभद्रा की कहानी पढ़ी होगी। चक्रव्यूह का भेदन अभिमन्यु ने इसी ऋषियों की परंपरा का अनुभव करते हुए गर्भ में चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया वो सीख करके आया था। यानी कि बालक किस संस्कारों से सीखता है। और एक उदाहरण मैं भी दे देता हूं, उसको भी ध्यान करना। बालक के गर्भ में कितना असर संस्कारों का बच्चे पे पड़ता है, ये मजाक ही नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव करना। आप आजकल जो 70-80 साल के बुजुर्ग हैं आपके घरों में, जो 70-80 वर्ष के बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके सामने ये जो डीजे में डिस्को है ना, इसको लगाओ तो उन बुजुर्गों पर इसका इतना ही असर पड़ेगा कि एक शोर हो रहा है। और ये डिस्को आप पैदा होने वाले बच्चे जिसने चलना नहीं सीखा, जो अभी बैठना सीखा है, और आप ये डिस्को चलाना, वो बैठा बैठा मटकेगा पूरा। हाँ या ना? अरे वो 60 साल के मटकना अब तक नहीं सीखे, क्योंकि उनको गर्भ में रहते हुए डिस्को सुनने का मौका नहीं मिला था। और आजकल हमारे टीवी बंद ही नहीं होते, बहुत साधन आ गए हैं। बच्चा जब गर्भ में होता है तो माँ ये सारे कार्यक्रम देखती और सुनती है। तो गर्भ में रहने वाला बच्चा डिस्को पैदा होने से पहले ही सीख लेता है। और फिर आप व्यवहार में देखते हैं तो वैसा आप देखो, आप भी नहीं ऐसा नाचना जानते जैसे वो पैदा होने वाला सीख करके आता है। क्यों साहब, वो ट्रेनिंग आपने दी थी क्या? वो गर्भ में ही लेकर के आया है। यह है भारतीयों ऋषियों का चिंतन। आप यदि गर्भस्थ बच्चे के लिए घर में यज्ञों का वातावरण हो, पूजा पद्धति का वातावरण हो, गौ माता की सेवा का वातावरण हो, पति पत्नी मिलकर के रहते हो, दादा दादी का सम्मान होता हो, जिन घरों में उत्साह आनंद का वातावरण होगा, तो आपका गर्भ में पलने वाला बच्चा बहुत बड़ी ट्रेनिंग के साथ दुनिया में आएगा। और उसके बाद उसका जात कर्म संस्कार होगा, फिर उसका नामकरण सीमंतोनयन होगा, पुंसमन होगा, नामकरण होगा, वेदारंभ होगा, और ये संस्कार यज्ञोपवीत होगा। और इन संस्कारों में जब बालक को बांध करके समय समय पर माता पिता एक ट्रेनिंग उसको दे करके विचारों से आगे बढ़ाएंगे, तो एक महामानव का निर्माण होगा। और उस मानव का निर्माण होगा तो आपके घर का निर्माण होगा, उसका निर्माण होगा तो अच्छे समाज का निर्माण होगा, उसका निर्माण होगा तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, उसका निर्माण होगा तो अच्छे विश्व का निर्माण होगा। और यही वो पद्धति थी जो भारतीय ऋषियों का चिंतन सोच थी। इसी को संस्कार पद्धति बोलते हैं। संस्कार मैंने शब्द तो हम बहुत सुने, लेकिन संस्कार कहते किसे? के विशेष गुणों के आधान करने का नाम संस्कार है। आज हमने केवल एक लक्ष्य बना लिया जीवन का, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे करो, पता नहीं फिर ये दुनिया मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये चिंतन हमारा नहीं है। हम अमर आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। ये पता नहीं कितनी जन्म जन्मांतरों से आत्मा यात्रा पर निकला हुआ है, शरीर पकड़ता छोड़ता पकड़ता छोड़ता, कर्म करता अगला जन्म उस पद्धति से लेता है। तो हमारा चिंतन था मुक्त अवस्था की ओर बढ़ना, अच्छे विचारों को प्रबुद्ध करना,
और संस्कारों के द्वारा शुद्ध परिमार्जित करके एक महामानव का निर्माण, और इस पद्धति को लेकर आज इस चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का जो निर्माण हुआ था उसका प्रथम दीक्षांत जो हो रहा है, मैं बधाई देता हूं आप प्राध्यापक वर्ग को, बधाई देता हूं आजकल के डिग्री धारकों को, और निवेदन करता हूं कि आप 16 संस्कारों की, अभी मैंने कुलपति महोदय से निवेदन किया, एक पुस्तक है संस्कार चंद्रिका जो लिखी थी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार के वाइस चांसलर डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने। आप वो पुस्तकों की अनेक प्रतियां जरूर मंगाओ और सब प्राध्यापकों को वितरित करो, और वो चाहे मेरी ओर से वितरित कर दो, मैं पेमेंट करूंगा उसकी, आप सबको दो। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में उस पुस्तक को पढ़कर के आपने अद्योपांत कर लिया तो आप इस चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे जो महत्व रहस्य और चिंतन है वो समझ में आएगा और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि प्रधानमंत्री जी इस यूनिवर्सिटी के पीछे किस प्रकार के मानव के निर्माण की इच्छा रखते हैं, और इस प्रकार का चिंतन, और वो बड़ी वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, उसको मैंने खुद पढ़ा है कई बार, उसी के विचार मैंने आपके बीच में दिए हैं। तो ऐसे ग्रंथ यहाँ की लाइब्रेरी में आए नहीं अभी तो वो पढ़े जाने चाहिए, और जो जो माताएं आपके सानिध्य में ऐसी आती उनको दिए जाने चाहिए, ये हमारे घर घर में जाने चाहिए ताकि अच्छे मानव के निर्माण की प्रक्रिया चले। असली निर्माण मानव निर्माण है, बहुत आवश्यक है लेकिन कठिन है, कठिन को सरल बनाकर इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मैं अपने कुलपति महोदय को और उनकी पूरी टीम को पुनः आज के इस पवित्र समागम पर, दीक्षांत समारोह पर बधाई देता हूं, और इस आशा के साथ कि ये यूनिवर्सिटी अपने मिशन को पूरा करके सारी दुनिया को एक नई दिशा प्रदान करेगी मानव के निर्माण की प्रक्रिया में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः बधाई और साधुवाद, धन्यवाद।